तो हेलो गाइस, कैसा आप सब। मैं हूं लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग और स्वागत है आपका हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक रॉकेट लॉन्चर बना सकते हैं। जी हां, और कोई मोड इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रॉकेट लॉन्चर को बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और ज़्यादा चीज़ भी नहीं लगती इसको बनाने के लिए, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मगर उससे पहले गाइस, अगर वीडियो का आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस रॉकेट लॉन्चर को बनाने के लिए आपको लगेंगी एक रेडस्टोन रिपीटर, एक नहीं पांच लगेंगी, एक रेडस्टोन टॉर्च, कुछ रेडस्टोन्स, कोई भी एक ब्लॉक और डिस्पेंसर और फायरवर्क्स, बहुत सारे रंग बिरंगे फायरवर्क्स तो लगेंगे। चलिए पहले आपको दो ब्लॉक चौड़ा और छह ब्लॉक लंबा एक जगह बना लेना है आपके लिए जिसमें आप बनाएंगे। तो मैंने देखते हैं क्या, एक दो तीन चार पाँच और ये छः हो गया, ठीक है। अब दो ब्लॉक आपको गहरा भी बनाना है गाइस। जी हाँ गाइस, दो ब्लॉक आपको गहरा भी बनाना है और ये गाइस बहुत इजी है, सिंपल है। ज़्यादा आप देख सकते हैं मेरे इन्वेंट्री में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली सामान नहीं है। अब गाइस आपको एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है और उसके बाद आपको ये जो कैपेसिटर है वो एक दो तीन ऐसे लगा देना है और इसको भी एक ऐसे करके लगा देना है। जैसे गाइस मैंने जैसे मुड़ के लगाया वैसे आपको लगा देना है। अब गाइस रेडस्टोन आपको यहाँ पे लगा देना है एक और यहाँ पे एक और दो, और यहाँ पे गाइस इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी मैंने गलती से ये लगा दिया है। सो गाइस आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आपको रेडस्टोन देना है टॉर्च, देख सकते हैं कैसे एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, एक बार ऑन हो रहा है एक बार ऑफ हो रहा है, यही हम लोग को चाहिए गाइस। अब क्या करना है हम लोग को, हम लोग को एक लीवर भी चाहिए होगा। मैंने लीवर ले लिया है, अब यहाँ पर रेडस्टोन लगाता हूँ लीवर। ए पिग, पिग और उसका बच्चा, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाओ जाओ जाओ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तुम यहाँ पे गिर मत जाना नहीं तो तुम रेडस्टोन से जल जाओगे। ए बच्चे यहाँ पे वायरिंग है, जाओ यहाँ से। हाँ अब ठीक है, एक अपने बच्चे को संभाल, आप मत आओ, जाओ नहीं तो मैं तुम्हें फ्राई करके खा जाऊँगा, ऐसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो आपको अब डिस्पेंसर जो है ऊपर फेस करके रख देना है। अब आपको इसको ऑफ कर देना है थोड़ी देर के लिए और बाकी जो है अरेंजमेंट उसको कवर कर देना है। यहाँ पे तो कवर ऐसे करके करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोगों ने अरेंजमेंट कवर कर लिया है। अब गाइस क्या करना है आपको, सिंपली इसमें जाना है डिस्पेंसर में और सारे जो रॉकेट हमने कलेक्ट किए थे, सॉरी मैंने तो डिस्पेंसर ही घुसा दिया, सारे जो रॉकेट हमने कलेक्ट किए थे उनको रख देना है डिस्पेंसर के अंदर। अब गाइस मैं रात कर देता हूँ जैसे मज़ा आपको ज़्यादा आए देखने में, क्योंकि रातों में ही तो पटाखों का मज़ा आता है। अब गाइज मैं पटाखे ऑन कर देता हूँ एंड 3 2 1 ये गाइज बूम, देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे पटाखे आ रहे हैं गाइज, देखिए और मेरे ऊपर फट रहे हैं, वाह बहुत सुंदर है गाइज, देख सकते हैं यहाँ से पटाखे जा रहे हैं, एक बार इसको एक बार उसको सब एक बार करके यूज हो रहा है गाइज। बूम गाइज आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। देखिए गाइज मैंने यहाँ पे दो डिस्पेंसर लगा दिया है एक ही बैटरी से, मैं आपको दिखाता हूँ जाइए सुबह करके कि कैसे आप लगा सकते हैं इसको। सो गाइस आप देख सकते हैं इससे मैंने इससे कनेक्ट कर दिया है।
आप और एक लगा सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे सॉरी ऐसे करके नहीं, ऐसे करके यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। सो गाइस ये भी एक हो गया, ऐसे करके तीन अरेंजमेंट हो गया, ऐसे करके आप लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है गाइस। अपने घर में सर्वाइवल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, जैसे हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि बहुत कूल है, माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है और गेमिंग से रिलेटेड है। तब तक के लिए बाय।